तो दोस्तों यदि आपने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म को अप्लाई किया है या फिर फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं तो यहां पर एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड कुछ बड़े अपडेट निकलकर सामने आए हैं, जहां पर आपको बताया जाएगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में हो सकता है बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, इसके अलावा आपको यहां पर यह भी बताया जाएगा कि इसमें वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर नहीं। वहीं अगर आपने भी एसएससी जीडी कांस्टेबल में फॉर्म अप्लाई करते टाइम कोई बड़ी गलती कर दी है तो यह वीडियो एक बार लास्ट तक जरूर देख लीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं टॉक विद रवि यूट्यूब चैनल। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अभी एसएससी जीडी कांस्टेबल के 25,000 करीब पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका सवाल है कि क्या आखिरकार वैकेंसी और इंक्रीज होगी या फिर इतने ही पदों पर पूरा भर्ती कंप्लीट कराया जाएगा। तो आपकी जानकारी के अनुसार बता दें और आपको एक खुशखबरी दे देते हैं कि जी हाँ दोस्तों, यहां पर आपका जो वैकेंसी है अभी इंक्रीज किया जाएगा, इसमें इतना ही वैकेंसी यहां पर नहीं रहने वाला है। जैसा कि अभी हम आपको टेबल दिखा पा रहे हैं, तो अभी जब यहां पर एसएससी ने अपना नोटिस जारी किया है तो उसमें 25,271 पदों को यहां पर दिखाया गया है, लेकिन जैसे जैसे भर्ती आपका आगे धीरे बढ़ता जाएगा उसके बाद यहां पर जो जानकारी है उसके अनुसार लगभग 8,000 से और 10,000 के करीब पदों पर यहां पर और जोड़ा जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर जो भर्ती होगी टोटल आपकी वो 33,000 या फिर 35,000 के अराउंड में इस बार होने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल की। हालांकि पिछली जो भर्ती थी उसके मुकाबले ये काफी कम है। जैसा कि आपको पता है कि पिछली जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का भर्ती आया था उसमें लगभग 54 या फिर 55,000 करीब को जो नोटिफिकेशन के साथ में भर्ती को निकाला गया था, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे भर्ती आगे बढ़ता गया उसके बाद 6,000 पदों को और जोड़ा गया और कुल मिलाकर यहां पर पिछली बार जो 62,000 या फिर 63,000 के करीब टोटल पदों को भरा गया था, लेकिन इस बार दोस्तों लगभग वैकेंसी आपकी आधी होने वाली है। लेकिन अभी यहां पर जो जानकारी है उसके अनुसार अभी देखिए 25,000 के करीब पदों को यहां पर अभी निकाल दिया गया है और इसके बाद जैसे जैसे वैकेंसी आगे बढ़ेगी और धीरे धीरे करके आपका लगभग 8,000 से या फिर 10,000 के करीब यहां पर जो पोस्ट होंगी वैकेंसी होंगी उनको इसमें और जोड़ दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर यहां पर जानकारी यही है कि आपका जो वैकेंसी है एसएससी जीडी कांस्टेबल में यह आगे चल के इंक्रीज हो जाएगा और लगभग यहां पर 33,000 या फिर 35,000 के अराउंड में होने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं एसएससी के दूसरे अपडेट के बारे में। तो देखिए आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्जाम में इस बार परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। दरअसल आपको बता दें कि अभी तक एसएससी जीडी कांस्टेबल के जितने भी एग्जाम होते थे उसमें कभी भी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता था, लेकिन अब की बार जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का परीक्षा होगा उसमें आपको निगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। जैसा कि एसएससी ने नोटिफिकेशन में अपने बताया हुआ है कि 0.25 मार्क्स यहां पर एक प्रश्न का गलत उत्तर देने पर काटे जाएंगे और अगर आप किसी प्रश्न का सही उत्तर देते हैं तो उसके लिए आपको एक मार्क्स दिया जाएगा। 90 मिनट का यहां पर परीक्षा में आपको समय दिया जाएगा, 100 प्रश्न होंगे, 100 को आपको यहां पर नंबर ला सकते हैं अगर आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर देंगे, तो गलत उत्तर देने पर आपको यहां पर अब नुकसान होने वाला है, 0.25 मार्क्स यहां पर आपके कट किए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों यहां पर थोड़ी सी बुरी खबर भी मान सकते हैं और कुछ कैंडिडेट के लिए अच्छी खबर भी मान सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहां पर आपको एक बहुत ही अच्छी खबर बता देते हैं जो कि है एसएससी जीडी कांस्टेबल के नॉर्मलाइजेशन को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, यानी कि पेपर की हार्डनेस और स्मूथनेस को देखते हुए यहां पर कुछ कैंडिडेट को एक्स्ट्रा नंबर भी दिए जाते हैं। तो अब की बार एसएससी जीडी कांस्टेबल में जो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा उसमें काफी हद तक आपको चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और यहां पर कैंडिडेट को अभी जो एग्जाम के टाइम पर जो नॉर्मलाइजेशन होता था एसएससी जीडी कांस्टेबल में उसमें 2 से या फिर 4 मार्क्स मैक्सिमम तक मिल सकते थे, लेकिन अब की बार जो एसएससी जीडी कांस्टेबल का आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपको कम से कम यहां पर 7 या फिर 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिल सकते हैं। जी हां दोस्तों, तो नॉर्मलाइजेशन के माध्यम से भी आपको काफी अच्छा नंबर देखने को मिल सकता है। अब हालांकि किसको कितना नंबर मिलेगा यह तो डिपेंड करेगा पेपर के मोड के ऊपर, किस शिफ्ट का कैसा पेपर आ रहा है उसके अनुसार यहां पर नंबर दिए जाएंगे, लेकिन कैंडिडेट का इस बार नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में फायदा होने वाला है क्योंकि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया में भी बदलाव करने का फैसला लिया गया है। तो दोस्तों अगर आपने भी एसएससी जीडी को फॉर्म अप्लाई करने टाइम कोई गलती कर दी है और फॉर्म भी आपसे फाइनल सबमिट हो गया है, तो जैसा कि आपको पता है कि एक बार एसएससी का फॉर्म फाइनल सबमिट होने के बाद कभी भी आप उसे मॉडिफाई नहीं कर सकते जब तक कि एसएससी आपको खुद आकर ऑप्शन नहीं देता है मॉडिफाई करने का। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपका भी फॉर्म गलत तरीके से फिल हो गया है तो यहां पर दोस्तों एक बहुत ही बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है जिसमें आप जल्दी से पार्टिसिपेट जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका जो गलत फॉर्म है उसे जल्दी से यहां पर मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिल सके। ध्यान से इस बात को सुन लीजिएगा और वीडियो को इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। दरअसल आपको बता दें कि यहां पर 20 तारीख को यानी कि 20 अगस्त 2021 को जितने भी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने अपना एसएससी जीडी कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई करने में कोई गलती कर दी है, तो ऐसे कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान से इस बात को सुन लें कि 20 अगस्त 2021 को सभी कैंडिडेट को क्या करना है कि एसएससी को मेल करना है। देखिए मेल कैसा करना है, मेल का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेल यह करना है, सब्जेक्ट में
आपको एसएससी जीडी एप्लीकेशन फॉर्म मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि नीचे यहां पर आने पर ये पूरा फॉर्मेट आपको दिया जा रहा है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं यहां पर कि देखिए जो फॉर्मेट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको ये सारा कुछ मिल जाएगा। यहां पर जो आपको फॉर्मेट दिया जा रहा है उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि आपके फॉर्म में गलती हो गई है और आप एसएससी से मॉडिफाई चाहते हैं अपने फॉर्म का। आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर लेना है। यहां पर माय नेम इज आपका जो एसएससी का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें जो नाम लिखा है, जो खाली स्थान देख रहे हैं ना, यहां पर अपना नाम लिख लीजिए वही वाला। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप यहां पर लिख लीजिए। इसके बाद यहां पर कौन से फॉर्म में गलती हुई है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल में हुई है। तो अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल में मॉडिफाई चाहते हैं तो यहां पर एसएससी लिखा हुआ है, इसके आगे जीडी कांस्टेबल लिख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद जो पूरा फॉर्मेट है आपको एसएससी को मेल कर देना है। इसके अलावा दोस्तों एक बात ध्यान से सुन लीजिए कि सब्जेक्ट में आप थोड़ा सा चेंजेस कर करके लिख सकते हैं, ठीक है। जरूरी नहीं कि सभी कैंडिडेट सब्जेक्ट एक जैसा ही लिखें, लेकिन उद्देश्य जो सब्जेक्ट का यही होना चाहिए कि आप यहां पर एसएससी का करेक्शन चाहते हैं, एसएससी से करेक्शन चाहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का। इसके अलावा अगर आपको मेल नहीं मिल पा रहा है तो आपको मैं बता देता हूं, उसके बाद आप नीचे थोड़ा सा उसी में आएंगे तो यहां पर आपको एक फीडबैक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली क्या कर देना है कि सबसे पहले तो एसएससी को मेल जरूर कर देना है। मेल आपको कहां करना है, एसएससी का जो मेन हेडक्वार्टर है वहां नहीं करना है, बल्कि आप के रीजन का जो मेन हेडक्वार्टर है वहां पर आपको मेल करना होगा, एसएससी आपको रिप्लाई देगा। इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप मेल कर लेते हैं, मेल करने के बाद आपको वापस से आना है और यहां फीडबैक का सेक्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली फीडबैक के ऑप्शन पर इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप यहां पर पहुंच जाएंगे। सिंपली मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, यहां पर आपको वही काम करना है कि यहां पर सबसे पहले अपना सब्जेक्ट लिख देना है, जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है कि आप एसएससी जीडी का फॉर्म मॉडिफिकेशन चाहते हैं कुछ भी ऐसा, ठीक है। फुल नेम अपना डाल देना है, अपना ईमेल आईडी डाल देना, ईमेल आईडी आपको वही डालना है जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर डाला हुआ है, ठीक है। यह सब करने के बाद आपको नीचे आना है और जो आपको मेल प्रोवाइड कराया गया है फॉर्मेट जो है, ठीक है, उस फॉर्मेट को यहां पर आपको फिल कर देना है पूरा, अपना डिटेल्स को फिल करके, ठीक है। सॉरी यहां नहीं, आपको यहां फिल करना है, ये तो रेजिडेंशियल एड्रेस है, यहां पर आपको कुछ भी नहीं करना है। यहां पर कमेंट में आकर आपको जो फीडबैक है पूरा भेज देना है और यहां पर सबमिट पर ऑप्शन क्लिक करके उनको भेज देना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको यह काम 20 अगस्त को करना होगा सभी कैंडिडेट को, क्योंकि जब इतने कैंडिडेट का एक साथ एसएससी के पास मेल और फीडबैक पहुंचेगा तो डेफिनेटली कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आपको मेल नहीं मिल पाता है कि आपके रीजन के हेडक्वार्टर का मेल क्या है एसएससी के, तो सिंपली आपको उसी फीडबैक के सेक्शन पर नीचे आना है, यहां पर आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं कि यहां पर जो जो आपके एसएससी एनआर रीजन के हैं कैंडिडेट, ठीक है, उनका देखिए ईमेल आईडी कैंडिडेट का ये रहा, इसका जो यहां पर केकेआर रीजन के हैं उनका देखिए जो एसएससी हेडक्वार्टर का मेल है वो ये रहा। तो ऐसे सभी का यहां पर जो मेल है रीजन का आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हम सभी को मिलकर एक कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भैया आपका जो फॉर्म है वो मॉडिफाई कभी भी नहीं हो पाएगा और आप भर्ती नहीं देख पाएंगे। तो डेफिनेटली दोस्तों याद रहे कि 20 अगस्त को ऐसे सभी कैंडिडेट को जो एसएससी से मॉडिफाई चाहते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का, तो सभी को 20 अगस्त को एक साथ मिलकर मेल करना होगा, एक साथ उन्हें फीडबैक भी भेजना होगा। इसके अलावा दोस्तों ट्विटर पर जाकर सभी कैंडिडेट को 20 अगस्त को ही ट्वीट करना पड़ेगा और वहां पर लिखना पड़ेगा कि हां उनको एसएससी जीडी कांस्टेबल का जो फॉर्म है उसे मॉडिफाई करना है, गलती हो गई है और उनको मॉडिफिकेशन का ऑप्शन मिलना चाहिए। तो ध्यान देने वाली बात दोस्तों है कि 20 अगस्त का तारीख हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ मिलकर यही कोशिश करेंगे कि जो हमारा फॉर्म गलत हुआ है उस गलत फॉर्म को जल्दी से यहां पर सही कराया जा सके, ताकि हम भी अच्छे से भर्ती देख सकें और जो हमारा सपना है एसएससी जीडी में एक बेहतरीन सिपाही बनने का, एक सोल्जर बनने का, वो सपना पूरा हो सके। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है, ये सारा कुछ प्रोसेस आपको केवल 20 अगस्त को ही करना होगा, एक साथ मिलकर हम सभी को आना होगा, तभी यहां पर हम सभी का कुछ यहां पर हो सकता है और एसएससी हम लोगों की बात को सुन सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान देने वाली बात यही है, तो आप सभी से उम्मीद यही करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ में जितने भी ग्रुप्स हैं हर जगह पर शेयर कर दीजिए, ताकि सभी कैंडिडेट 20 अगस्त को आकर जुड़ सकें और यहां पर एसएससी के साथ मिलकर यहां पर उनके सपोर्ट चाहिए हमें, तो इस प्रकार दोस्तों सभी को यहां पर एक साथ मिलकर आना जरूरी होगा। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, हम आपके सपोर्ट में सदैव खड़े रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बगल वाली जो घंटी का है उस पर क्लिक करके उसे ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में।